गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम चैप्टर हमारा क्या चल रहा था? लाइट चल रहा था। क्या चल रहा था? लाइट चल रहा था। कल हमने जो पढ़ा था थोड़ा सा मैं उसका रिवीजन कर देता हूँ। कल हमने एक तो ये वर्ड पढ़ा था फोटोन। क्या पढ़ा था? फोटोन। फोटोन के बारे में क्या पढ़ाया था? एनर्जी बंडल्स। क्या पढ़ाया था? एनर्जी बंडल्स। एनर्जी बंडल्स को फोटोन कहते हैं, जिसके फॉर्म में जो हमारा लाइट है वही ट्रांसमिट होता है या वही प्रोपेगेट होता है। एक हमने पढ़ा था कल रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन पढ़ा था। तो रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़े थे? रूल पढ़े थे। कितने रूल पढ़े थे? दो रूल पढ़े थे। कितने रूल पढ़े थे? दो रूल पढ़े थे। कल हमने फोटोन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ा था, दो रूल पढ़े थे, और ये पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है, जो लाइट होती है, वही एनर्जी का ही फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म होती है? एनर्जी की ही फॉर्म होती है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इसके बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन में दो घटनाएं बताई जाती हैं, दो इंसिडेंट बताए जाते हैं, उन्हीं से हम क्या निकालेंगे, उनके डेफिनेशन निकालेंगे। देखो सर, तो पहले तो हम एक वर्ड आएगा हमारे सामने, कौन सा वर्ड आएगा? मीडियम। कौन सा आएगा? मीडियम। मीडियम में भी दो टाइप बताए जाएंगे हमारे सामने, एक डेंसर एक लेयर। ठीक है, तो डेंसर के अंदर क्या बताया जाएगा? डेंसर मीडियम के अंदर बताया जाएगा जिसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होती है? बहुत कम होती है। डिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। रेयर में क्या बताया जाएगा? रेयर मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? दूर होते हैं। उनके बीच में डिस्टेंस क्या होती है? ज्यादा होती है। जो डेंसर मीडियम होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। कंपेरिजन इसके रेयर जो मीडियम होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डेंसर का लेकर चले H2O और हम रेयर का लेकर चले तो क्या बताएंगे? एयर। क्या बताएंगे? एयर। किसी एग्जाम्पल को ये ऐसी चीज को हम दोबारा अगर देखते हैं तो डेंसर में मैं अब मैं यहां पर क्या ले लेता हूं? कोई भी सॉलिड ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? कोई भी सॉलिड ले लेता हूं, जैसे ग्लास हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या ले लेता हूं मैं? H2O ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? H2O। तो सॉलिड ग्लास H2O के कंपैरिजन में क्या है? डेंसर है। और H2O सॉलिड ग्लास के कंपैरिजन में क्या है? रेयर है। क्या है? रेयर है। तो ये दो वर्ड हमें याद रखने हैं, डेंसर रेयर, और ये क्या है? हमारे मीडियम। क्या है? हमारे मीडियम। अब आगे देखते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। ये हमारा जब हम इनको लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल स्ट्रेट लाइन। ये हमारा कौन सा मीडियम हुआ? रेयर मीडियम हुआ। ये हमारा रेयर मीडियम हुआ जिसके पार्टिकल्स दूर दूर है, हमें दिखाई नहीं दे रहे। ये हमारा कौन सा मीडियम हुआ? डेंसर मीडियम हुआ। टू कंडीशन है किसके अंदर? रिफ्रैक्शन के अंदर। तो रिफ्रैक्शन के अंदर टू कंडीशन है, तो फर्स्ट समझते हैं हम। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। ये मीडियम हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया रेयर मीडियम, ये क्या हुआ हमारा? एनो। अब देखो, मान लेते कोई भी लाइट की रे वो इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी रे हुई? इंसिडेंट रे। ये हुई हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो कौन सा था? एंगल आई। कौन सा था? आई। इंसिडेंट। इंसिडेंट अब हम ये कहते हैं कि ये जो रे है उसकी डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में आके प्रोपेगेट होनी चाहिए। लेकिन ये क्या करती है, जैसे ही जो इंसिडेंट रे है, जैसे लाइट की इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयर मीडियम से किस में एंटर कर रही है? डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो बेंट हो जाएगी। और किसकी तरफ बेंट हो जाएगी? टुवर्ड्स एंड नॉर्मल की तरफ। टुवर्ड्स इस नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? बेंट हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट। क्या होनी चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट। तो प्रकाश की रे, प्रकाश की लाइट की रे जब भी रेयर मीडियम से डेंसर में आती है, एंट्री करती है, तो वो इस नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? बेंट हो जाती है। इस डायरेक्शन में नहीं जाती, इस डायरेक्शन में नहीं जाती। किसकी तरफ बेंट हो जाती है? टुवर्ड्स एन। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। ये क्या थी? फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं।
ये वही हमारा एक मीडियम कौन सा हुआ, रेयर मीडियम हुआ, दूसरा क्या हुआ, डेंसर मीडियम हुआ, डेंस या डेंसर मीडियम हुआ। ठीक है, ये हमारा एन हो गया, ये वो प्लेन हो गया, ये सरफेस हो गई, जो दोनों मीडियम्स को क्या कर रही है, अलग कर रही है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी लाइट की रे है, ये मान लेते हैं ये एक इंसिडेंट रे है, ये ऐसे इसकी डायरेक्शन ये है, कहां से कहां एंट्री कर रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी, इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी, लेकिन ये सरफेस की तरफ बेंड हो जाती है, किसके अवे होती है, इस एन के अवे हो जाएगी और इस सरफेस की तरफ बेंड हो जाती है, इसकी डायरेक्शन ई हो जाती है। ये अपनी डायरेक्शन से इसने चेंज कर लिया, यहां पर इसने अपने इतनी डायरेक्शन चेंज करी, तो ये हमारी ये हुई, ये हुई रिफ्रैक्टिव, ये हुई रिफ्रैक्टिव रे और ये हुई इंसिडेंट रे। कौन सी रे हुई, ये इंसिडेंट रे हुई, इस केस में ये इंसिडेंट रे हुई, ये रिफ्रेक्टिव रे हुई, डायरेक्शन इसने अपनी चेंज कर ली, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, यहां पर ये क्या हुई, इंसिडेंट रे हुई और ये कौन सी हो गई, रिफ्रेक्टिव रे, रिफ्रेक्टिव रे हो गई, जिसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, जिस भी रे ने, जिस भी लाइट की, जिस भी रे ने अपना ही डायरेक्शन चेंज की हो, दूसरे मीडियम में जाने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज की, वो क्या कहलाते हैं, रिफ्रैक्टिव, यहां पर ये रिफ्रैक्टिव, यहां पर ये रिफ्रैक्टिव, जहां से भी हम स्टार्टिंग करते हैं, जहां से भी स्टार्टिंग करते हैं, जो लेते हैं वो क्या होती है, इंसिडेंट, स्टार्टिंग जहां से करें, इंसिडेंट ये रे हुई और यहां पर इस केस में ये हुई इंसिडेंट रे, दोनों में क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वाले केस में फर्स्ट कंडीशन में जब इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर में आ रही है, तो किसकी तरफ बेंड होती है, इस एन की तरफ बेंड हो जाती है, मतलब अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। सेकंड केस में जब लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इस नॉर्मल से अवे हो जाती है, इस नॉर्मल से क्या हो जाती है, अवे हो जाती है, यहां भी सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, आने वाली रे को जो स्टार्टिंग जहां से करते हैं उसको बोलते हैं इंसिडेंट, जो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है उसको रिफ्रेक्टिव, जहां से स्टार्टिंग करी उसे इंसिडेंट, जिसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी उसे रिफ्रेक्टिव। अब ये था एंगल आई, यहां पर ये हो जाएगा एंगल आई। ठीक है, अब ये जो रे बेंट हुई है नॉर्मल की तरफ, एन की तरफ, उसका जो एंगल है वो है आर, और ये जो रे बेंट हुई है उसका एंगल क्या है, आर, तो हमारे पास कितने एंगल आ गए, दो, कितने आ गए, दो, एक आई और एक क्या आ गया, आर। ये तो क्या हुई, दो कंडीशंस हुई, क्या हुई, दो कंडीशंस हुई। अब डेफिनेशन कैसे बताएंगे हम, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन कैसे बताएंगे, तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ये बताएंगे, जब भी कोई लाइट की रे है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो दोनों मीडियम्स को सेपरेट करने वाली इस सरफेस से, दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस से अपनी डायरेक्शन से क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन, क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। अब इसमें कितने रूल है, इसमें दो रूल है, फर्स्ट रूल देखो, रिफ्लेक्शन के जैसे रिफ्रैक्शन का फर्स्ट रूल रिफ्लेक्शन जैसे सेम है, फर्स्ट क्या है हमारा, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्रैक्टिव रे, रिफ्रैक्टिव रे, कितने पॉइंट हुए, तीन पॉइंट हुए, ये कितने, देखो इंसिडेंट रे फर्स्ट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेकंड, एंड रिफ्रैक्टिव रे थ्री, तो ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों ऑल इन सेम प्लेन, ऑल इन सेम प्लेन, ये था हमारा फर्स्ट रूल रिफ्रैक्शन का, फर्स्ट रूल जो रिफ्लेक्शन के क्या था, इक्वल था। सेकेंड रूल देखते हैं, सेकेंड रूल ये कि एंगल साइन ऑफ, साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर,